मॉर्निंग। अभी मैं कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन का जो है न्यूमेरिकल बता रहे हैं। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर सिस्टम शोन इन फिगर एंड ऑल फोर्सेस आर कंकरेंट। ये जो है कंकरेंट है सभी फोर्स। देखिए ये इसका क्या है, ये इसका वेट है, ठीक है। ये क्या है, इधर से फोर्स लगा रहे हैं 150 न्यूटन और इधर से भी हम फोर्स लगा रहे हैं 75 न्यूटन। और ये जो देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक है, दिस इज ए ब्लॉक, और इस ब्लॉक का वेट जो है ये कितना है, ब्लॉक का वेट जो है 100 न्यूटन है। ब्लॉक का वेट जो है क्या है, 100 न्यूटन है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस फोर्स जो सिस्टम है इसका रिजल्टेंट निकालना है आपको, और ये जो है ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ, और इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। तो ये यदि हम इसको मान लें, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसको हम मान लें एक्स एक्सिस, तो इसके वर्टिकल में क्या मानेंगे हम लोग, वाई एक्सिस मान लिए, ठीक है। तो आप देखिए ये तो दिया हुआ है कि दिस 75 न्यूटन फोर्स एक्स ऑन दिस ब्लॉक इज 30 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ है। लेकिन आपको ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है, इसीलिए ये जो है फोर्स 75 ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसीलिए ये जो है क्या करेगा, 30 डिग्री एंगल बनाएगा विद द कहेंगे एक्स एक्सिस। अब ऊपर से देखिए ये तो 75 न्यूटन फोर्स है, तो 75 न्यूटन जो ये वेट ऑफ द ब्लॉक है ये कितना डिग्री पर काम करेगा, क्योंकि ये 30 डिग्री इंक्लाइन है, और इस पर से ये क्या होगा कि ये परपेंडिकुलर लाइन है, और ये जैसे आएगा इधर से तो ये देखिए ये एंगल हो जाएगा 30। कैसे हो जाएगा 30, ये 30 है और ये 90 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अब 60 जब हो जाएगा तो ये यहाँ से देखिए, ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर से जो ये लाइन और ये लाइन जो है, यहाँ पर से देखिए ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये वाला ये इस पर से 90 डिग्री है ये, और ये क्या हो जाएगा, एंगल 30 डिग्री, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से आर इक्वल दिस इज ये, सो दिस इज ये 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो अब देखिए इसको क्या करना है, हमको रिजॉल्व करना है, क्या करना है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और इसके वर्टिकली जो है वाई एक्सिस जो है इसके वर्टिकल में हमको रिजॉल्व करना है, और इसी का रिजल्टेंट निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर से जो है, तो 150 न्यूटन मान लीजिए, 150 न्यूटन जो है ये F1 हो गया फोर्स, वे 150 न्यूटन है, तो ये क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस लग रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग इस F1 का जो कंपोनेंट होगा एक 150 जो होगा, ऐसे कहेंगे F1x जो होगा 150 होगा, और F1y जो होगा ये क्या हो जाएगा, जीरो कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पर से क्या है कि F2 जो है ये देखिए निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, कितना है, -100 न्यूटन लग रहा है। तो इसको यदि रिजॉल्व करेंगे हम लोग, इसको ये जो है रिजॉल्व करेंगे, तो एक तो फोर्स इसके नीचे लगेगा, तो एक तो फोर्स क्या लगेगा, एक तो यहाँ पर से यदि इसको रिजॉल्व करें हम, तो ये 60 डिग्री है, ये इधर होगा तो ये इधर होगा। कहने का मतलब है यहाँ पर से इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, 100 cos 30 डिग्री होगा, तो दूसरा कंपोनेंट इसके हॉरिजॉन्टल में होगा, यानी कि अलोंग द एक्स एक्सिस जो होगा इसका कंपोनेंट ये क्या होगा, 100 क्या लिखेंगे, sin 30 डिग्री होगा। तो वही यहाँ पर से इसको है, तो इसका कंपोनेंट जो होगा ये F2 का जो है F2x जो होगा ये क्या होगा, 100 और क्या होगा इसका, ये तो 30 डिग्री y एक्सिस के साथ में होगा, तो इसके साथ में जो होगा ये 100 लिखेंगे हम लोग sin 30 डिग्री।
और एफ टू वाई जो होगा ये कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पर से ये भी निगेटिव में होगा और ये तो ये भी निगेटिव में है और ये भी निगेटिव में आएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन इस साइड में अपोजिट टू क्या है, एक्स एक्सिस है। और एफ टू भी ये क्या होगा, इसके नीचे लग रहा है अलोंग, ये ऊपर नहीं लग रहा है, तो एफ टू वाई जो होगा माइनस में होगा 100 जो होगा कॉस 30 डिग्री होगा, क्योंकि जिस एंगल के साथ में कोई भी फोर्स एंगल बनाता है उसके साथ में हम लोग कॉस कंपोनेंट लेते हैं और उसके अपोजिट में साइन का हम लोग कंपोनेंट कहते हैं उसको। तो अब देखिए ये हो गया, और F3 जो है यहाँ पर से हम मान लेते हैं ये क्या है 75 न्यूटन है, तो F3 जो है यहाँ पर से 75 न्यूटन है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे F3x जो है इसको क्या मानेंगे, ये जो है x एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो F3x जो होगा और उसी के डायरेक्शन में x के डायरेक्शन में है यहाँ पर से, तो क्या होगा 75 इसको लिखेंगे हम लोग cos 30 लिखेंगे, तो इसका जो कंपोनेंट होगा F3 ये जो है ये F3y जो होगा ये कंपोनेंट होगा ये इधर होगा, तो ये क्या होगा ऊपर होगा, तो ये भी निगेटिव में आएगा आपको, और इसका वैल्यू आएगा 75 लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए तीनों फोर्स को अलोंग द एक्स एक्सिस यानी कि अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और उसके वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में जो वाई एक्सिस है इसमें रिजॉल्व कर दिए तीनों फोर्स को, अब हम इसका समेशन करेंगे, तो कॉस 30 तो भाई हाफ होता है इसीलिए माइनस 50 न्यूटन हो गया, और कॉस 30 कितना होता है ये जो कॉस 30 होता है तो ये कॉस 30 रूट 3/2 होता है, तो ये जो होगा यहाँ पर से वैल्यू माइनस, ये जो वैल्यू होगा यहाँ पर से माइनस क्या लिखेंगे 8, ये जो है वैल्यू यहाँ पर से जो वैल्यू है ये जो वैल्यू होगा 8 पॉइंट, इसका जो वैल्यू होता है यहाँ पर से लिखते हैं हम लोग ये 100 इंटू लिखेंगे 0.866 रूट 3/2, तो इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पर से जैसे करेंगे तो कितना होगा, अब देखिए दो अंक के बाद इसमें जैसे 200 सुना देंगे दो अंक के बाद डिसिमल आएगा, तो ये हो जाएगा 86.6 न्यूटन निगेटिव साइन होगा, इसका क्या होगा निगेटिव साइन होगा। उसी तरह से इसको कॉस 30 कितना हो गया आपका, कॉस 30 हाफ हो गया या रूट 3/2 हो गया, कॉस 30 रूट 3/2 यानी कि 75 इंटू 0.866 होगा, और ये जो वैल्यू आता है आपका करीब करीब ये जो वैल्यू आएगा 75 का और ये वैल्यू आएगा आपका 64.95 न्यूटन आएगा, ठीक है। लेकिन F3y जो होगा इसका वैल्यू देखिए क्या होगा, माइनस में होगा F3x, तो इसका जो होगा हाफ होगा, और 75 इंटू हाफ कितना हो जाएगा माइनस 337.5 न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से हम लोग सभी कंपोनेंट को निकाल लिए हैं यहाँ पर, और अब इसका कंपोनेंट का जो है हम लोग समेशन कर देते हैं, कहने का मतलब है समेशन ऑफ एफ एक्स इजिकल टू समेशन एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ थ्री एक्स। तो अब देखिए ये कितना है 150 न्यूटन है, ये माइनस 50 है, और इसका जो है यहाँ पर से लिखते हैं प्लस 64.95, तो इसको यदि हम लोग जोड़ घटा कर लेंगे तो कितना आएगा ये 164.95 आएगा न्यूटन, ठीक है। अब देखिए ये जो न्यूटन हो गया, फिर समेशन ऑफ एफ वाई करेंगे तो क्या होगा, इसको लिखेंगे समेशन ऑफ एफ वन वाई प्लस समेशन ऑफ एफ टू, समेशन नहीं, ये जो होगा एफ टू वाई हो जाएगा और प्लस जो होगा एफ थ्री वाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब है एफ थ्री वाई जो है ये एफ थ्री वाई है,
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो जीरो है भाई, ये क्या है माइनस 75, यानी कि ये हो गया एफ टू एफ थ्री, एफ थ्री कितना हो गया ये माइनस 86.6, और ये भी हो जाएगा माइनस 37.5 इतना। तो ये दोनों तो माइनस में हो जाएगा, और ये दोनों जुट के जो हो जाएगा आपका, ये दोनों जुट के हो जाएगा माइनस 124, क्या होगा माइनस 124.1 न्यूटन। तो अब तो भाई एफएक्स और समेशन ऑफ वाई निकाल लिए, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये निकालना है हमको। तो क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एफएक्स पर स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई पर स्क्वायर। तो और इस दोनों टर्म को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर से 164.95 का स्क्वायर प्लस लिखेंगे कि यहाँ पर से माइनस 124.1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पर से रूट। दो बार स्क्वायर करेंगे तो ये अपनी ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए इसका वैल्यू जो हो जाएगा जोड़ के दोनों को, तो ये दोनों का वैल्यू जो जोड़ के आ जाएगा, ये करीब करीब इसको रूट भी निकाल दिया है यहाँ पर से। तो इसका जो आप गुणा भाग कीजिएगा कैलकुलेटर से, तो ये हो जाएगा 206.42 न्यूटन आएगा ये। अब देखिए इसका, हम लोग कहते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा विद द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ में जो डायरेक्शन होगा, तो हम लोग क्या पढ़े थे, टेन थीटा इजिकल टू, या जो भी इसमें हम थीटा करेंगे, तो क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई बाई समेशन ऑफ एफ एक्स। तो समेशन जो है ये 124.1 न्यूटन है, बटे ये जो है समेशन आपका 164.95 है। तो ये जो है यहाँ पर से, इसको आप गुणा भाग कीजिएगा और टेन इनवर्स करेंगे, ये जो होगा यहाँ पर से माइनस 124.1 न्यूटन बटे, या नहीं भी न्यूटन लिखें कोई दिक्कत नहीं है, वो कट जाएगा अपने, और 164.95 है, और इसको थीटा को कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा माइनस यहाँ पर से कितना आएगा, 39.6, यानी कि उससे जो है एक्स एक्स ये माइनस आएगा 36.96, ये आएगा माइनस 36.96 आएगा डिग्री, ठीक है। तो ये अब देखिए इसका हम लोग कैसे रिजल्टेंट को दिखाएंगे, और ये एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए क्या है कि आपका क्या है एक्स एक्सिस है, और ये क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है, और हॉरिजेंटल से कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, और सब फोर्स जो कंकरेंट है सपोज कीजिए, तो क्या लगेगा, वो जो फोर्स लगेगा कितना पे लगेगा, अब देखिए बता रहे हैं, तो ये जो है यहाँ पर से ये जो है मान लीजिए यही, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, ठीक है, तो सब फोर्स तो कंकरेंट है, ठीक है, और कॉपलेनर भी है, तो ये जो फोर्स लगेगा यहाँ पर से यदि इसको डालेंगे तो ये आएगा यहाँ पर से आएगा रिजल्टेंट आर, और इसका जो वैल्यू होगा ये कितना होगा 206, ये जो वैल्यू होगा 206.42 न्यूटन, और ये ही एंगल, क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज में निगेटिव को मेजर करते हैं, इसीलिए ये 36.96 डिग्री है। इस तरह से हम लोग इसको कहते हैं कि इसका रिजल्टेंट को दिखा सकते हैं पिक्टोरियली, ठीक है, थैंक यू।